पिक्चर साइज 6.3 है वो निर्भर है किस पर पता है? समरूपता पर। इधर साइड ध्यान से देखो, ये समरूपता मतलब होता है सिमिलरिटी, ये इसी पे सारा कंसेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले हम आपको समरूपता कैसे पहचानते हैं, सिमिलरिटी कैसे जानते हैं, इसके बारे में बता दें, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से देखिए, समरूपता की जो कुछ शर्तें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जिसमें मैंने पहली कंडीशन लिखा है, कोई भी दो ट्रायंगल या कोई भी दो आकृतियां वो समरूप होंगी। कब होंगी? देखो मैं बता रहा हूँ, वो समरूप होंगी उनके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहली शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत को बच्चा करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, और ये होता क्या है मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ध्यान देना। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब कि वो समानुपाती हो, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। पहले तो आप ये वर्ड समझो कि संगत क्या होता है, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है। देखो इधर साइड में आप समझने की कोशिश करिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चा? चलो आगे चलें। अब ध्यान दो, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका नाम है बच्चा ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, अब ध्यान देना ये ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब आप समझो पहले, आप संगत का क्या मतलब है। जैसे कह रहा कि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा ये बताओ एंगल ए, एंगल ए का संगत कोण क्या होगा? तो भाई एंगल ए का संगत कोण उसमें होगा दूसरे वाले फिगर में, लेकिन कैसे पहचानोगे? देखो इसमें देखो ए है ना भाई, तीन ही लेटर इसमें है, ए बी सी, इसमें भी तीन ही लेटर है पी क्यू आर, तो इसमें का फर्स्ट लेटर दूसरे वाले के फर्स्ट लेटर के संगत है, यानी कि जो कोण ए है वो कोण पी के संगत है, और कोण पी कोण ए के क्या है, संगत है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग है। अब आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो अच्छे से कैसे होते हैं, देखो आगे बात करें। तो बच्चा कोण ए का संगत कौन है, कोण पी है, ये बात ध्यान देना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। और अगर हम बात करें कोण बी, अब देखो एंगल बी, एंगल बी का संगत क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, तो इसमें देखो ये बी क्या है, इसमें दूसरे नंबर पे है ना, फर्स्ट सेकंड लेटर है ना, तो इसमें सेकंड लेटर क्या है, क्यू है, तो इस बी का जो करस्पॉन्डिंग है वो ये है, क्यू है, ठीक है, समझ में आ रही ना चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चा, ध्यान से समझ लो। और अगर हम बात करें सी की, तो सी का आर हो जाएगा, ये हो गए संगत कोण, ठीक है, आप समझ गए ना, यानी कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, एंड एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल सी, ये है संगत कोण, ठीक है। तो पहली कंडीशन है संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरी है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब समानुपाती होनी चाहिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड की, ठीक है। संगत भुजाएं देखो यहाँ पर है ना, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब समानुपाती होनी चाहिए, तो हम इनकी बात करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, कोण की बात खत्म हो गई, अब हम चलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड पर, संगत भुजा पे चलो बच्चा। देखो अब समझने की कोशिश करिए आप लोग, जैसे अगर हम बात करें भुजा ए बी, भुजा ए बी की संगत क्या होगी, तो आप इसमें देखो ए बी, ए बी मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर, इसमें क्या है पी क्यू है ना फर्स्ट सेकंड में, यानी ए बी का जो करस्पॉन्डिंग है वो पी क्यू होगी, और वो चाहे जहां भी हो, चाहे ये इधर ए बी इधर है वो उधर है, कहीं भी रहे वहीं पे होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी की जो संगत भुजा बच्चा वो क्या है, पी क्यू है, ठीक है। और आगे आगे अगर इसमें बात करें दूसरी साइड, मान लो चलो बी सी, बी सी का मतलब ये हुआ यानी फर्स्ट लेटर छोड़ के, तो इसमें भी क्या करोगे आप, फर्स्ट लेटर छोड़ के ये बी सी, बी सी का क्या हुआ क्यू आर, यानी आप कह सकते हो इस बी सी का जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है, क्यू आर है, क्यू आर मतलब उधर साइड है, आप देख रहे हो है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये बी सी का हो जाएगा क्यू आर। इसी तरह से आप ए सी का करोगे तो बच्चा ए सी मतलब फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, यानी पी आर हो जाएगा, पी आर मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए सी का क्या हो जाएगा, पी आर,
ये है संगत भुजाएं। आप समझ गए ना संगत भुजा क्या होती है, संगत कोण क्या होते हैं, है ना। किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, चलो फटाफट लिख लो भाई। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, और जो पुराने साथी हैं वो भी क्लास को लाइक करें। और लाइक तो भाई हर कोई करेगा, नए पुराने चाहे जो भी, जिससे कि आपको और भी वीडियो मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे। तो जल्दी करें, आपका अपना कर्तव्य है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पे हैं तो, फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें, और जाना नहीं कहीं, अभी और आगे भी पढ़ना है। देखिए अब जो फर्स्ट वाला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल देखिए। कह रहे हैं उनके संगत कोण बराबर होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, अगर ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर है, अगर यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री है, बी का 90 है, 90 डिग्री है, तो अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल ए, ये दोनों सर्वा समरूप तब होंगे, सिमिलर तब होंगे जब एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, दोनों 40 है ना। है अगर एंगल बी की बात करें तो बच्चा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। करस्पॉन्डिंग अभी मैंने बता दिया ना, कैसे जानोगे एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, और ये बराबर 90 डिग्री है। इस तरह से अगर आप देखो तो दो एंगल बराबर है ना, तो आप इन दोनों से भी प्रूव कर सकते हो ये दोनों जो ट्राइंगल दिए गए हैं ये सिमिलर है। और लिखोगे रीजन क्या है, रीजन ए ए ए मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी, इसलिए आप इसे नीचे लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये भी क्या है, कंडीशन है, समझ गए ना। ये तब जब दो कोण दोनों के क्या हो, बराबर हो। इसमें एक और भी अच्छी बात है, आप इसका थर्ड एंगल भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 130 होगा, मतलब ये 50 आएगा, क्योंकि सभी कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, 180 ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 50 आएगा, ये भी 50 आएगा। आप चाहो तो ट्रिपल ए भी कर सकते हो निकाल के उनके मान, लेकिन जो भी दिया मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। ये हो गया फर्स्ट। कह रहा हूँ कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अब देख लो इसका मतलब ही समझ लो आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ध्यान देना, बहुत ही प्यार से समझिए, कोई भी जाएगा नहीं, क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो पीबीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर, यानी पीबीआर स्टडी 3.0 चैनल पे ये क्लास हर दिन सुबह 8 बजे से आपको मिल जाएगी। अब देखिए अगला, दूसरा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखिए। बच्चा दूसरी कंडीशन कहती है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, अर्थात समानुपाती होंगी। देखो ये कब होगा, मतलब समझिए, जब एस 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 सिमिलरिटी रूल लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको करस्पॉन्डिंग यानी संगत पढ़ाया था, तो अगर हम इसको माने ए बी सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा ये पी क्यू आर। देखो अब मतलब समझो आप लोग, बहुत ही अच्छे से समझिए। अब अगर हम बात करें ए बी, तो भाई ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो क्या होगी, इसमें का भी स्टार्टिंग का 2 लेटर ले लो पी क्यू, यानी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू होगी। पी क्यू यानी अगर ए बी की बात करें तो 3 है, और पी क्यू की बात करें तो क्या बच्चा, पी क्यू, ये पी क्यू है ना, ये देखो 6 है, क्या है ये 6 है, ठीक है। अब मतलब आगे समझते जाओ। और अगला, हर एक साइड को आप देखो इक्वल होंगी, मतलब वो समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब अभी समझना, बताऊंगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो समानुपाती का मतलब होगा वो समझना। जैसे अगर दूसरी लाइन में देखूं बी सी, बी सी इसमें के दोनों बाद वाले लेटर, इसमें का भी दोनों ले लो क्यू आर, तो बच्चा बी सी का अगर देखो तो 3.5 है, और क्यू आर देखो 7 है, तो ये 3.5 ये क्या है, 7 है। अब मतलब समझते जाओ अभी आप प्यार से, ठीक है। अब देखो आगे आगे देखते जाओ, पूरा पूरा देखते जाओ। अगर हम यहां पे और आगे बात करें, अगला देखो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी, ए सी 10 है, और अगर इसका करस्पॉन्डिंग देखोगे तो पी आर, पी आर कहाँ है, ये 5 है ना बच्चा, तो ये क्या है 10 है, ये क्या है 5 है, ठीक है। अब देखो यहां पे आप समझते चलो और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे हैं। देखिए यहां पर समानुपाती का ये मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन बना दोनों का भुजा मिला करके, एक तो 3 तो इसमें का था और 6 इसमें का था ना,
ये आपस में किसी एक ही गिनती से दोनों कटने चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, यही मतलब है। तो अगर इनको देखो, तीन से दोनों कटेंगे, तीन एक कम तीन, तीन दोनों छः। अगर इधर बात करें, यहाँ से नीचे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 70 हो जाएगा, तो 35 एक कम 35, 35 दोनों 70, ये भी क्या आपस में कट रहा है ना भाई, 35 से दोनों डिवाइड हो रहा है ना। और ये भी हो गया, जो भी ये बराबर होंगे इससे कोई मतलब नहीं, ये बराबर हो या ना हो इससे नहीं मतलब है। इनको अगर देखो तो 10/5 ये भी एक ही नंबर से डिवाइड होंगे, 5 1 5, 5 2 10, यानी ये भी क्या होंगे, 2/1। मतलब जितने भी नंबर थे आपने देखा, जितने भी पेयर बने थे, 3 2 का, 6 का, या फिर 3.57 का, या 10/5 का, ये एक ही नंबर से दोनों कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे थे। मतलब 5 से 5 भी कट रहा था, 2 भी कट रहा था, इसमें 7 और ये 3.5, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हुए, जो कि क्या आया, 1/2 आया। ये भी डिवाइड हुआ एक ही नंबर से, 3 से दोनों हुआ। इसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, समानुपाती एक प्रकार से। ठीक है, आप समझ गए ना। हाँ, एक बात यहाँ पे और समझ लो, अगर आप लोगों के मन में हो कि समानुपाती कब नहीं होता भाई, कब नहीं होता, किस कंडीशन में नहीं होता, वो चीज़ें भी आप यहाँ से क्लियर कर लो। जैसे अगर नीचे साइड में मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, अगर ये 3 6 की जगह पे बच्चा ये 3 7 हो जाता, तो फिर ये मान्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी नंबर नहीं जिससे 3 भी कट जाए, 7 भी कट जाए, तब फिर ये समरूप नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये 3 है, ये 6 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, मतलब एक ऐसी गिनती होगी जिससे 3 भी कट जाए और 6, ये नीचे वाला नंबर भी कट जाए, तभी वो समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ कह सकते हो, बता है ट्रेंगल ABC ये कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है ना भाई, सिमिलर टू ट्रेंगल PQR। रीजन लिख दोगे, रीजन SSS 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 SSS
समझ में आई ना बातें? अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट मैं आपको बताऊंगा, जल्दी करो। समरूप त्रिभुज के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया है। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये समरूप आकृति का एक उदाहरण है। समरूप का मतलब सिमेट्री। जैसे देखो ये डिब्बी दोनों एक ही बनावट का है ना, गोला है जैसे भी वो है वैसे वो भी है, सब कुछ वही है, बस केवल और केवल इनका आकार छोटा है बड़ा है। तो वैसे होता है समरूप का मतलब कोई भी त्रिभुज या कोई भी आकृति वो एक समान रूप की होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें इंसानों की तो हम सभी इंसान समरूप होते हैं, क्योंकि हम सभी इंसानों में अगर हम मेल की बात करें, बॉयज की, हम आदमियों की, तो उनके छोटे छोटे या मतलब एक प्रकार से बाल होते हैं, नाक होता है, आँख कान मुँह सब यही होता है ना। तो हम सब इंसान इंसान क्या हैं, समरूप हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की तुलना मान लो गाय से कर दो या मान लो बकरी से कर दो तो क्या हम लोग समरूप होंगे? नहीं ना, क्योंकि गाय है या बकरी है उसका दांत, उसका मुंह, उसका नाक, मतलब सींग वगैरह भी होती ना जानवरों के, तो हम लोग समरूप नहीं जानवरों के। ठीक है, समरूप का मतलब आप समझ गए ना। तो इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ जो भी पढ़ना है, बाकी ये मेन चीज़ है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के, आकृति 6.34 का मतलब इसमें बहुत सारे त्रिभुज दिए गए हैं, उसमें का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। क्वेश्चन पहले सुन लो, जो बच्चे नहीं लिखे हैं जिनके पास किताब नहीं वो लिख लें। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें जो सारे ट्राइंगल दिए गए हैं, ढेर सारे जोड़े दिए गए हैं, उनमें कौन कौन से समरूप हैं, वो समरूप क्यों हैं, इसका रीजन भी लिखिए और उन्हें समरूप का चिन्ह लगा करके व्यक्त कीजिए। चलिए, कल मैंने आपको बताया था बच्चा, देखो कोई भी ट्राइंगल या कोई भी फिगर समरूप तब होगा, सिमेट्री तब होगा जब उनके या तो उनके सभी एंगल इक्वल हों। हाँ, मतलब फिगर जो है, आकृति वो छोटी बड़ी हो सकती है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके एंगल बराबर होने चाहिए, और या फिर अगर एंगल बराबर ना हो तो उनकी भुजाएं यानी साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी समरूप होंगे। जैसे एक प्रकार से ये समझ लो, मान लो ये ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इस तरह से है ना, और मान लो एक सर्कल है, तो ये दोनों कभी भी समरूप नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल का बनावट अलग है, इसकी अलग है, बनावट एक जैसे होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक और छोटा सा ट्राइंगल बना दूँ तो ये इसके समरूप हैं दोनों, क्यों? क्योंकि ये भी गोलनुमा है, ये भी गोलनुमा है,
मतलब उनका आकृति जो है एक जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है, शेप एक जैसा होना चाहिए, तो ये क्या है, समरूप है, समझ गए ना। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर हम बात करें एंगल ए, तो आप देखो एंगल ए दूसरे ट्राइंगल में देखें इसका अगर करस्पॉन्डिंग, तो एंगल पी के बराबर है, हाँ एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये चीज़ लिखने को बोला था, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, इसलिए आप नीचे यहाँ ये लिखोगे, क्या लिखोगे ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी, क्या एंगल ए बी सी ये कैंगुरियंस टू किसके, ओ सॉरी कैंगुरियंस नहीं सिमिलर किसके, इधर वाला जैसे लिखो ए बी सी ना, वैसे इधर का भी पी क्यू आर लिखना, ठीक है, ये पी क्यू आर बस हो गया, ये दोनों समरूप हैं, क्यों हैं, कोण कोण कोण, या फिर ऐसे नीचे लिख सकते हो, हाँ ब्रैकेट में लिख दो बाई ए ए ए, मतलब कोण कोण कोण, समरूपता नियम से ये क्या है, समरूप हैं, क्योंकि इनके सभी एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, समझ में आया ना। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, इसका सेकेंड पार्ट है, उसका फिगर मैं आपके सामने ऐसे दिखा रहा हूँ जल्दी से, आप इनको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी करो देर मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो आप लोग, इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही प्यार से देखो, ईमानदारी से देखो बच्चा, इसमें आपको साइड दी गई है, एंगल नहीं दिया गया है, अगर आप पहले में देखिए तो फर्स्ट में जो साइड दी गई है ए बी वो 2 सेंटीमीटर है, और अगर हम बी सी की बात करें तो ये 2.5 है, वहीं अगर हम ए सी की बात करें तो बच्चा ये 3 दिया गया है, इस तरह से इसमें ये 6 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, यदि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो समानुपाती हो, समानुपात में हो, या फिर एंगल इक्वल हो, तो इसमें साइड की है, हमारे पास एंगल है नहीं, तो हम साइड की ही कंपेयर करेंगे, ए बी, ए बी देखो ये समानुपात का मतलब ये है बच्चा, कि जैसे अगर सभी साइड का कंपेयर करें, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, ए वी अपन इसमें का ए बी लिया, इसमें का करस्पॉन्डिंग साइड आप 2 ले सकते हो, कौन कौन, जो 2 से ये तीनों है ना 5 4 6, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो देखो 2 से तो 6 भी कट जाएगा, हाँ अगर हम मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो कि हम चलो ए बी और ये पी क्यू ले लेते हैं, तो बच्चा ये इतना हो जाएगा ना, इस तरह से आपका 2/2 ये 6 आएगा, भाई देखो पी क्यू का मान 6 है, पी क्यू का तो 1/3 आएगा, ये तो हो गया। अब बी सी के लिए हम क्या लेंगे, बी सी के लिए हमें बच्चा 2.5 तो लिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 2.5 देखें किससे कटेगा, मतलब 2.5 जो है इससे 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 किसी से पूरा पूरा कटना चाहिए, उसी को लेंगे, ठीक है, उसका संगत वही होता है, मतलब और दूसरा नहीं लेना, ठीक है, जैसे इसमें देखो 2 से 6 भी कट रहा था, 4 भी कट रहा था, मैंने 6 ले लिया, ठीक है, लेकिन अब 2.5 के करस्पॉन्डिंग आप वही साइड लोगे जो पूरा पूरा कट जाए, तो 2.5 से ना ये कटेगा ना ये, मतलब कोई भी नहीं कटेगा, इसका मतलब कौन कटेगा, ये कटेगा ना 2.5 से, देखो बच्चा ये कटेगा, पहले यहाँ समझो, अभी ये सही नहीं हो रहा, अभी लिखना मत, ये बी सी अपान पी आर, तो ये आपका 2.5 अपान ये 5 हो जाएगा, इसको आप 0 हटाओगे बाबू तो ये 50 आएगा, मतलब 1/2 आएगा, आप देख रहे हो ये 1/3 1/2 अलग अलग आ रहा है ना, मतलब ये बन नहीं रहा सिस्टम, तो क्या करोगे आप समझो, ऐसा देखो सिस्टम यहाँ हम बनाने की कोशिश करेंगे कि जो 2 है, पहले जो 2 मैंने लिया था इसके पास ऑप्शन था, ये 2 को हम 6 के साथ भी सेट कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं, हमने 6 के साथ देख लिया बराबर नहीं आ रहा, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए बी इसको हम 4 के साथ सेट करेंगे, क्यू आर, अब देखो बच्चा ए बी का मान 2 है बाबू, क्यू आर का 4 है, इस तरह से 1/2 हो गया, इस तरह से बी सी ध्यान देना, बी सी का हम किसके साथ सेट करेंगे, पी आर, पी आर तो बी सी 2.5, पी आर है 5, फाइनल में 1/2 आएगा, अभी मैं हल करके दिखा दिया था, देखो ये दोनों जो इनके अनुपात हैं भुजाओं में वो बराबर आए ना दोनों, अभी तीसरा देख लो जो बचा है, एक ए सी, ए सी का हम जोड़ी लगाएंगे पी क्यू के साथ में,
तो बच्चा ए सी 3 है, पी क्यू 6 है, मतलब 1/2 आया। यहाँ पर आप देखो तो तीनों साइड के जो अनुपात हैं वो बराबर हैं, है ना बराबर। तो आप नीचे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नीचे लिखो आप, इसलिए सो ट्राइंगल, कौन कौन से ध्यान देना, किस किस ट्राइंगल की बात हो रही बच्चा। देखो इसमें ए बी सी ना, आप कह सकते हो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंस टू, देखो इसमें पी क्यू आर मत लिखना सीधा सीधा, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले आपने कौन सा लिया था बाबू, इसमें सबसे पहले कौन सा लिया था आपने, क्यू आर लिया था ना। हाँ, यानी आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसमें स्टार्टिंग ए से हुई थी, ए बी पहले लिया था ना मैंने ये, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्यू आर से ना, ये देखो क्यू आर लिए थे ना, तो ये कंग्रेस किसके, क्यू आर पी के, ठीक है ये बात याद रखना, क्यू आर पी के, गड़बड़वाना नहीं। देखो कैसे हमने, अगर इसमें अलग अलग करें तो ए बी, ए बी का हमने क्यू आर के साथ जोड़ी लगाया था, हाँ ठीक है, उसके बाद हमने बी सी का पी आर के साथ लगाया था, पी आर ए आर पी, देखो अब यहाँ ये बी सी लास्ट से दो, इसमें भी लास्ट से दो, बन रहे ना। ए सी का पी क्यू के साथ लगाया था, ए सी मतलब पहले वाला और लास्ट वाला, पी क्यू मतलब देखो ये बन रहा है ना पी क्यू, मतलब बैठ रहा है ना सब एक में, जैसे इसमें वैसे इसमें भी होना चाहिए। तो ये सर्वांग क्या हो गया, समरूप हो गया, ब्रेकर लिख देना बाई एस 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 ट्रिपल एस, ठीक है, मतलब साइड 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 समरूपता नियम से ये दोनों क्या हैं सभी भैया, समरूप है। तो इस तरह से आपने इसको भी कर लिया। सेकंड क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, बहुत ही प्यार से देखिए, यहाँ पे फिगर बना है, यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, और अगर हम इतना समझ लिए तो हम बहुत आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि इसमें हमें दो एंगल दिए गए हैं और हमें तीन एंगल फाइंड करने हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पहले इसके जानकारी होनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं सवाल पे चलूँगा जिससे कि आपको कोई प्रकार की समस्या ना हो। हम सभी पढ़े हैं, आपको पता भी होगा कि अगर कोई लाइन सीधी सीधी है, आप इसको जानते हो ना, तो बच्चा इस पे अगर हम एंगल की बात करें तो इस पे हमेशा 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हो। और अगर हम बात करें इसमें कि कोई लाइन ऐसे सीधी सीधी है, ये तो ठीक है, और इसमें कोई एक ऐसे क्रॉस एंगल भी बन जाए, तो आपके क्या विचार होंगे। अगर हम, अब ध्यान दीजिए, मान लो कि मैंने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी डी, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम ऐसे बात करें, ये इतना पूरा जहां हमारा ये पेन जा रहा है, तो ये पूरा 180 का कोण है, 180 का है ना, लेकिन अगर इसमें से इतना निकल जाएगा जो इधर साइड में जा रहा है, तो क्या होगा भाई, उसमें से कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, यानी हमारा जो टोटल, अगर यहाँ ऊपर वाले में बात करें, मान लो P, यहाँ पे Q मान लो, चलो यहाँ पे R, ठीक है, अगर हम इस लाइन की बात करें इसकी, तो ये क्या है, एक प्रकार से इसको आप मान सकते हो एंगल PQR बराबर 180 है, क्या है एंगल PQR 180 है, PQR मतलब सीधा फीधा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो बच्चा, अगर बी सी डी लोगे तो 180 है, एंगल बी सी डी क्या है, ये 180 आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, बोलो है कि नहीं भाई, सीधा फीधा लाइन 180 है, लेकिन यहाँ पर अब अगर हम 180 की बात करेंगे, जैसे कंडीशन है ये एक लाइन खींचने के बाद, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे पता है आपको, देखो ध्यान समझो, पूरा तो 180 है, ये इतना बीच में इसमें आ जा रहा है, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई ये बी और सी और ए, चाहे ऐसे ले लो ए सी बी, और प्लस ये इधर वाला जो बच रहा है, इधर वाला, हाँ ए सी डी, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, बताओ होगा कि नहीं। ये मैंने 180 यहाँ लिखा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि ये पूरा 180 है, ठीक है। और लेकिन हाँ, अगर सिर्फ इतने की बात करोगे, सिर्फ इतने की, सिर्फ इतने की, तो वो कितना होगा, 180 से इधर वाला घटाने के बाद वो आएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, पहले इसे समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत ही प्यार से समझ लो इसको, ठीक है ना बच्चा। देखो समझो, इधर साइड में समझो, ये पूरा एंगल तो 180 है, और ये इतना कुछ और है, और ये इतना कुछ और है। अगर हम पूरे की बात करेंगे तो क्या करेंगे,
अगर हम 180 लिखना चाहें तो ए सी बी लिखो, एंगल ए सी बी प्लस उधर वाला जो एंगल है ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर 180 हम लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने दोनों जोड़ दिया। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा ये 80 अंश है, ये 80 है, तो हमें ये बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सिंपल सा है भैया, एक्स का 80 रख दो, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो आप कहोगे ये 100 अंश का है, यानी अगर ये 100 का है, 100 ये 80 का है, तो टोटल 180 हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कैसे इनको बांटा जाता है, चूँकि अभी इधर साइड में कुछ ऐसे ही होने वाला है, ये बात आप ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, लेकिन क्लास को स्किप नहीं करना बच्चा, पूरा देखना तभी समझ में आएंगी बातें, ठीक है। देखो टाइम जो भी लग जाए 5-10 मिनट, लेकिन आप समझना पूरा अच्छे से। अब देखिए आगे क्या होगा, ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके लिए ये लफड़ा हो सकता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। देखिए समझिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा अल्टरनेट एंगल, पढ़ा है कि नहीं, एकांतर कोण। जैसे अगर कोई मान लो ये लाइनें हैं, हाँ समांतर हैं, अगर इस पे से कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे जाती है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये हाँ, ये एंगल ए, ये बी, ये मान लो सी, और ये मान लो डी, ये एकांतर कोण होते हैं, जिसमें अंदर जितने भी लाइन के हैं, जैसे देखो ये लाइन है ना बच्चा, लाइन के ऊपर और इफ लाइन के नीचे जितने होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः है, हाँ, और जितने इसके ऊपर होते हैं, जैसे मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये मान लो आर है, और ये एस है, तो जो पी क्यू आर एस है ये क्या है, वाई कोण है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब समझना, ये हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के, जैसे अगर हम बात करें ए, एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होगा, आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल एंगल बी स्मॉल में, ठीक है, एंगल सी इक्वल एंगल डी, ये बात याद रखना, ठीक है, मतलब तिर्यक रेखा के दूसरी साइड और उसके सम्मुख भुजा के सामने, मतलब ए के बी और सी के डी बराबर होगा, ठीक है। अब यही चीज़ अभी इधर साइड यूज होगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इसको लिख लो जल्दी से, वीडियो रोक के आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझना आगे क्या कहता है क्वेश्चन, अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, मुख्य सवाल पर, ध्यानपूर्वक देखना, बड़ा ही प्यार से देखना बाबू, ठीक है, देखना मगर प्यार से। देखो कह रहा कि आकृति 6.35 में, मतलब जो फिगर दिया इसे 6.35 आपके बुक में लिखा है, कह रहा कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, ओ डी सी मतलब ये त्रिभुज छोटका वाला ओ बी ए के समरूप है, ओ बी ए यानी ये जो नीचे वाला छोटा ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब मैंने आपको बताया था, जिनके रूप एक समान हो, ये क्या है, ये तो सर्वांगसम है भाई, क्योंकि ये बराबर है हर चीज़ में ना, लेकिन अगर समरूप की आपको मैं दिखाऊं तो ये समरूप है तो छोटे बड़े, लेकिन इनके रूप एक समान है, इनकी बनावट एक जैसी है ना। देखो तो समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, कहाँ गया ये, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक बात ध्यान दो, जो दिया है पहले उसको आप लिख लोगे, यहाँ पे आप लिखो दिया है, पहले लिखो हल, हल लिखने के बाद लिखो दिया है, जो दिया है मैंने उसको लिख लिया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। देखो सिंपल सा है, इसमें बच्चा आपका दो एंगल दिया था, सी डी ओ और पी ओ सी दिया था, ठीक है। अब देखो अगर आप प्यार से देखो एक बात ध्यान से, तो ये जो रेखा सीधी सीधी है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे बहुत ही आराम से देखो प्यार से, चाहे ये रेखा ले लो चाहे इधर वाली ले लो, मतलब वही हुआ डी ओ बी, है ना, ये क्या एक सीधी रेखा है ना, डी ओ बी एक सीधी रेखा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आकृति से मतलब दिए गए चित्र से, चाहे तो ऐसे लिख लो, दिए गए चित्र से या आकृति से, ठीक है। यहाँ पे लिखो डी ओ बी एक रेखा है, लिखो, ठीक है, से लिखो, चूंकि डी ओ बी एक रेखा है, ठीक है। अगर ये एक रेखा है, तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो बच्चा एंगल डी ओ बी होगा सीधा सीधा, वो 180 अंश का होगा, होगा ना 180 अंश, तो भैया ये डी ओ बी 180 अंश है सीधा सीधा। अगर आप इस पर देखो तो इस पर कितने एंगल बने हैं, डी ओ बी पर सीधा सीधा अगर आप देखो तो इस पर कितने एंगल बने हैं, इधर साइड ले लो तो एक तो इधर ये बन जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ तो आपको क्लियर होगा, अब मैं साइड में निकाल के बना के दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा।
देखो अगर इनको बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे, इनको ध्यान दो। ये मैंने बाहर निकाल दिया, हाँ यहाँ से मैंने इनको बाहर निकाल दिया टी ओ बी, और इस पे देखो ये सीधा फीधा एक जा रहा है ना बच्चा, तो आप कह सकते हो कि डी ओ सी ठीक है, और प्लस सी ओ बी बराबर 180 अंश, बोलो है ना सही। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल डी ओ सी धन एंगल सी ओ बी इक्वल 180 अंश, ठीक है इतना क्लियर। इतने में किसी को कोई लफड़ा नहीं ना बच्चा, अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसका काम हो गया ख़त्म। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, डी ओ सी, डी ओ सी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ दिया है, क्या दिया है आप इसमें देखो, तो एक एंगल आपको दिया ना बच्चा, कौन सा दिया है, अरे यार ओ वाला दिया ना बाबू, डी ओ सी में तो 125 दिया है कि नहीं पहले ये बताओ, दिया ना इसमें कुछ, एक तो दिया है ना, देखो कौन सा दिया है, अरे भाई डी ओ और सी, इसमें तो ओ नहीं दिया है, लेकिन हमने जो दूसरा लिखा था सी ओ बी इसमें देखो ओ दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी धन इसका मान 125 रख सकते हैं इक्वल 180 अंश। तो बच्चा यहाँ से जब निकालोगे ये 180 है, इसको प्यार से लिखना सुंदर सा, यहाँ से जब निकालोगे तो एंगल डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 आएगा, 55 डिग्री, हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा 55। आगे देखो अच्छे से, हमारा कौन सा एंगल आया, ओ यानी ये अलग जो मैंने लाल लाल किया देखो ये 55 आ गया ठीक है, ध्यान से देखो ये कितना आएगा 55, ये 55 आ गया, ध्यान देना मैंने छोटा फल लिखा है ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर आप एक बात ध्यान से देखो तो ये त्रिभुज डी ओ सी इसमें दो कोण पता हो गए, सिर्फ एक ही कोण निकालना है, अब तो हम बड़े ही प्यार से कर लेंगे। अब चलो लिखो जल्दी से आगे, आप लोग इतना लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे लिखवाता हूँ, बहुत जल्दी करो भाई, देखो एक एंगल आ गया, हो गया ना जल्दी करो। अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी इसलिए हम बहुत जल्दी करेंगे। देखो अब ध्यान दो बच्चा, ये ट्रायंगल डी ओ सी इस त्रिभुज में आकर देखो तो दो कोण दिए हमें, एक निकालना है, हम क्या किए तीनों कोणों को जोड़ के 180 कर दिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एंगल डी का मान 70 दिया था, एंगल ओ का मान अभी हमने 55 निकाला, 55 निकाला है, एंगल सी का मान हमें निकालना है, यहाँ से हमने निकाल लिया ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चा अगर यहाँ पर आप ये लाइन देखो, ये जो आई है सीधा सीधा सी ओ ए वाली ये लाइन, तो ये ऐसे बन रही ना, अगर हमें एंगल सी का मान ये 55 पता चल गया तो एंगल ए क्या होगा बताओ, ये एकांतर कोण है मैंने अभी बताया था, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं इसलिए एंगल ए भी क्या होगा बराबर होगा। आप यहाँ पे लिखो, चलो फटाफट आगे लिख दो, लिखो 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 जल्दी लिखो, क्योंकि नीचे लिखो हमें यही तो ज्ञात करना था ना, एंगल ए और भी ज्ञात करना था, वो भी मैंने निकाल लिया, यहाँ पे लिखो क्योंकि एंगल सी इक्वल एंगल ए ये बराबर हैं, क्यों बराबर हैं ब्रेकेट में लिखो एकांतर कोण ठीक है, एकांतर कोण या फिर अंतः एकांतर कोण ठीक है, दोनों लिख सकते हो, चलो ये अंतः एकांतर कोण है तो आप यहाँ लिख सकते हो इसलिए एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर 55 डिग्री ठीक है, कितने हो जाएंगे 55 अंश, बस हो गया भाई, एंगल सी का मान 55 दिया था, ए का मान भी उतना हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका 5, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार से स्थित हैं कि कोण पी कोण आर टी एस है ठीक है, और दर्शाने को कह रहा है दिखाने को कह रहा है कि दिखाओ कि त्रिभुज आर पी क्यू ये सिमिलर है समरूप है आर टी एस के ठीक है, आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ये आर टी एस के समरूप है दिखाना है, आर टी एस मतलब ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है, तो चलो सिंपल सा लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो लिखो जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लो आगे, चलो जल्दी लिखो, त्रिभुज देखिए मैं चीज़ें बोल दे रहा हूँ उसके बाद लिख के दिखा दूंगा ठीक है, जल्दी लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है, इसलिए एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस ये दिया गया है, देख लो। देखिए ये चीज़ें दी गई थी, बहुत ही सिंपल था, मैंने जो बोला उसको आपको दिखा भी दिया, चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं इसलिए मैं आपके सामने नहीं लिखा ठीक है, मतलब
ये चीज़ें हमें दी गई है, मैंने कुछ किया नहीं अभी, जो दिया वही मैंने लिखा है। अब आप दोनों ट्रायंगल लोगे आर पी क्यू एंड आर एस टी। अब यहाँ आप लिखो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर एस टी में। देखो बहुत सिंपल है बच्चा, इसमें एंगल पी एंगल आर टी एस के बराबर दिया है, दिया है ना, तो लिखो एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस, ब्रेकेट में लिखो गिवन, ये दिया है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें एक चीज़ और दिया है, एंगल आर बराबर एंगल आर, ये क्यों भैया, ये कॉमन है, क्या है बाबू, ये कॉमन है, क्यों, जब हम एंगल आर पी क्यू लेते हैं, मतलब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तब भी हम एंगल आर का यूज करते हैं, जब हम एंगल आर एस टी बोलते हैं तब भी हम क्या करते हैं, इसका आर का यूज करते हैं, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और अगर दो कोण ये कॉमन इस तरह से हो गए तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसे मान लो अगर ये कोण और ये कोण बराबर है, हाँ, और इसमें भी अगर वही हाल हो जाए, ये कोण बराबर हो, मान लो कि ये कोण 50 अंश का है और ये 40 अंश का है, तो 50 40 कितना हो गया, 90 हो गया, तो दूसरा भी 90 अंश का बचेगा, है ना। वही हाल यहाँ भी होगी, अगर ये मान लो 50 का हो गया 40 का हो गया, दूसरा क्या बचेगा, वो भी उतने का ही बचेगा। मतलब अगर कोई दो त्रिभुज हैं तो उनके दो कोण अगर बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो अब आप नीचे इसलिए यहाँ लिख सकते हो, इसलिए ट्राइंगल कौन कौन से भैया, आर पी क्यू, ये समरूप हैं, मतलब सिमिलर हैं ट्राइंगल आर एस टी के, ठीक है, हो गया। नीचे लिख दो प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, है ना, कितना आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऊपर देखिए दिख रहा है आपको, क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है बच्चों कि आकृति 6.38 में, आकृति 6.38 का मतलब इस चित्र में जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, कह रहा है कि डी ए बी सी के शीर्ष लंब, डी ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर, सॉरी बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा कि आकृति में, इस आकृति में मतलब इस फिगर में, डी ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, यानी ये दोनों रेखा, मतलब ये रेखा, ये दोनों बिंदु हैं ए और डी, ठीक है, ये रेखा सीधा सीधा है ए डी और ई, ई कौन सी है, ये डी ई, ये सीधा, ये दोनों क्या कर रही भैया, बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित कर रही, मतलब इन्हें इंटरसेक्ट कर रही ना, इंटरसेक्ट कर रही, क्या कर रही, अभी सेक्ट बता में जानो, प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है। तो कह रहा दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी मतलब ये इतनी जो त्रिभुज है, फिर से देखो ए ई पी और सी पी, सी टी पी, ये दोनों समरूप हैं, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है ना, कितना आसान। चलो लिखो, शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर आप लिखिए हल, फटाफट सभी बच्चे लिखो भाई, आगे लिखिए, क्या लिख लिए आप लोग, जल्दी से फटाफट लिख लो भाई, टाइम ना लगाओ। शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसमें पहला, इसमें चूंकि चार बातें सिद्ध करनी है, उनमें पहला मैं लिखता हूँ, ठीक है, त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी, ध्यान से देखना ए ई पी, और दूसरा ट्रायंगल सी में, देखो, और त्रिभुज डी पी में, ये डी है, डी फॉर डॉग, याद रखना, ठीक है, डी पी में, इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ए ई पी जो है, यानी जो कोण ई है, ये कोण, ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, ए ई पी बराबर पी डी सी बराबर एंगल पी डी सी, ये क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक क्या है, 90 है, अभी बताता हूँ, देखो इसमें ये एंगल क्या है, 90 है ना,
एईपी में ध्यान दो, ए पी, ये 90 है ना, और पीडीसी पीडीसी इसमें देखो तो आपका ये एंगल डी वाला भी क्या है 90। ये 90 क्यों है, क्योंकि ये सीधा सीधा इस पर प्रतिच्छेद कर रही जा करके, तो ये डी क्या है, ये भी 90 बन, ये दोनों क्या बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 है, इसलिए क्या बराबर है। आगे देखो, लिखिए नीचे लिखिए, एंगल ए पी ई, ध्यान देना अब इस एंगल पी पे जाएंगे, ठीक है, किसमें, कौन से त्रिभुज में, ध्यान देना ए ई पी वाले में, देखो ऐसे ए पी ई बराबर सी पी सी बराबर एंगल सी, ये क्यों बराबर है भैया, ये बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख क्या है, शीर्षाभिमुख, नहीं समझ में आएगा तो बताना, शीर्षाभिमुख मतलब जान रहे हो भाई, सीधी सी बात है, पी और पी दोनों में आ रहा है ना, यानी इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से दो ये देखो तो ये एंगल इस वाले में और दूसरे वाले में ये वाला, प्रकार से आपको क्या लग रहा है, अपोजिट एंगल लग रहा है, कुछ तो लग रहा है, बताओ क्या है, शीर्षाभिमुख हिंदी में, ये दोनों क्या बराबर है, अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो आप लिख सकते हो कोण कोण समरूपता, कि अब अरे मैं जगह नहीं तो मैं आगे लिखूंगा, देखिए इसलिए इसलिए त्रिभुज ए ई पी कौन सा था भाई, दो यही तो था ए ई पी समरूप है सी डी के, चिन्ह बना दो सी डी, ये पहला हो गया, क्लियर, ये पहला हो गया जो इसमें चार सिद्ध करना था, पहला पार्ट हो गया, इतना लिखिए, जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतना करना है फिर इसको लिखना है, बहुत से ध्यान से देखोगे भाई तभी समझ में आएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखो स्क्रीन पे, चलिए ध्यान दीजिए आगे, बहुत ध्यान से देखना भाई क्या कह रहा है, कह रहा कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी फिर से देखना ए डी इसमें और दूसरा ई बी, यही क्वेश्चन दोनों इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने को कह रहा है, अगर आप स्क्रीन पे देखो तो सेकंड पार्ट में इन्हीं दोनों को क्या करना है, सिमिलर हमें प्रूव करना है, कौन कौन सा, ए बी डी और सी डी और ई, तो एक तो ये त्रिभुज सीधा सीधा बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो बेटा इसमें हम लिख सकता हूँ एंगल ई इक्वल एंगल डी, ये दोनों बराबर है, कौन कौन सा ये एंगल, ध्यान देना अगर हम इसमें लेंगे ये एंगल डी और इसमें अगर लेंगे तो एंगल ई, ये दोनों क्या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी क्या है 90 डिग्री का है, दोनों क्या बराबर हैं, आप लिख लो प्रत्येक 90 अंश क्या है, प्रत्येक 90 का है, ये क्या है बराबर है। आगे लिखो एंगल बी, एंगल बी ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन है, इसी में लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब होता कॉमन, ये एंगल बी दोनों में कॉमन है, एक बार फिर से अगर आप दिमाग लगाइए देखिए ए बी डी, यानी जब हम ये एंगल ले रहे हैं पूरा पूरा जहां मैं हाथ रख रहा हूं, या फिर मैं ये लेता हूं सी बी ई, तो इसमें दोनों में सब में बी का यूज हो रहा है, मतलब ये कोण दोनों में है यानी कि कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए इसलिए क्या लिखोगे भाई, त्रिभुज ए पी डी सिमिलर है किसके, त्रिभुज सी पी ई, कोण कोण समरूपता लिख लीजिए, कोण कोण समरूपता, अगर आपने समरूपता का बेसिक नहीं पढ़ा भैया तो आपको समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, नोट करिए, मैं सामने से पूरी तरह से हटाऊं आपको स्क्रीन दिख रही, बहुत जल्दी करिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका थर्ड पार्ट हो गया, आगे बढ़े अपने सर दिख रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन पे नजर गड़ाइए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, कह रहा है कि त्रिभुज ए ई पी, ए ई मतलब ए और पी ये बीच में, और दूसरा त्रिभुज ध्यान से देखना ए
डी बी, ए डी बी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ए ई पी, और एक बार आपको देखना है ए डी और बी, यानी ये त्रिभुज एक बार देखना, एक बार ये देखना, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ई इक्वल एंगल डी, यानी जो कोण ई है वो कोण डी के बराबर है। अभी हमने जब इसका पिछला पार्ट किया था उसमें भी आपने यही चीज लिखा था, क्योंकि वो था तो हर बार लिखा जाएगा बराबर, इसलिए है क्योंकि प्रत्येक 90 का है, एवरी एंगल क्या है, राइट एंगल। इसमें इतना ही नहीं, एंगल ए के बराबर है, क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। बहुत आसान प्रश्न है, कॉमन है जिसे बोलते हैं, आप हिंदी में लिख लो उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ के आधा ऐसे, ओके हो गया। तो भैया जब ये दो चीज हो गया तो आप लिख सकते हो गया आपका जो भी करना था, आप नीचे लिख लो, इसलिए क्या है एंगल ए ई सिमिलर का आप चिन्ह बना दो भैया ए डी बी, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यही करना था। यहां पर लिख दीजिए कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, यह आपका तीसरा पार्ट हो गया। इसमें सिर्फ एक पार्ट और बचा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, बहुत जल्दी करिए, डन, वीडियो रोक करके लिखा करिए, मैं सामने से हटता हूँ फटाफट, रहता नहीं हूँ कभी वीडियो, इसको भी देख लीजिए, इसमें भी वही सब है जो अभी आपने तीन पार्ट में किया, उसी का सब कुछ इसमें भी करना है, ठीक है। देखिए भी एंगल ई जो है वो एंगल डी के बराबर है, इसलिए क्योंकि प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक क्या है 90 है। भैया देख लो एक बार, पी डी सी, पी डी और सी, यानी ये जो छोटका एंगल बन रहा है खोपड़ी पे, इसमें पी डी सी और एक है बी ई सी, पी और सी, इस पूरे वाले कोण में और इस छोटके वाले कोण में, बेटा अगर आप एक चीज ध्यान दो तो एंगल ई जो है और एंगल डी दोनों पड़ रहा है, दोनों पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पहले मुझे ये बताओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, नहीं दोनों पड़ रहा है। छोटे वाले अगर आप कोण में देख रहे हो ध्यान से, ऊपर साइड में इसमें देखो डी आ रहा है, और अगर ये आप जहां मैं हाथ रख रहा हूँ देख रहे हो, इधर से नहीं दिख रहा होगा, अगर ऐसे देख रहे हो जहां मेरा हाथ है, क्या है एंगल ई आ रहा है, दोनों क्या 90। एंगल सी की अगर बात करें तो दोनों में आ रहा है, कॉमन है, एंगल सी इक्वल एंगल सी, देखिए उभयनिष्ठ क्या है, ये उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है। आप नीचे लिख लीजिए, अगर दो कंडीशन मिल गई हमें तो इसलिए एंगल पी डी सी ये सिमिलर है, ऐसे बना लीजिए एंगल बी ई सी के, किसके, पी ई सी, यहाँ पर लिख लो कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका एंड हो गया। पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन खुद से पढ़ ले, ठीक है। इस क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया है, फिगर नहीं दिया है, हमें खुद से बनाना है, पढ़िए। कह रहा कि समांतर चतुर्भुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD एक आपको बनाना है, इसका ये मतलब है, तभी तो कहा है ना समांतर चतुर्भुज के बारे में, कह रहा कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, यानी जो उसकी भुजा AD है उसको क्या करा गया, आगे बढ़ा दिया गया यहाँ से, पर स्थित E एक बिंदु है, यानी जो भुजा बढ़ाई गई यहाँ पर क्या है, E यहाँ पर एक स्थित, तो मैंने लिख दिया। आगे कहता है तथा PE या CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, मींस इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जो ये भुजा है BE, ध्यान से देखना, ये सीधा ये CD को F पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, क्या प्रूव कीजिए, कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना भैया CFB या फिर आप CBF मानो, चाहे जो भी, वो इनके क्या है, सिमिलर है बेटा, ठीक है। इनके का मतलब समझ रहे हो, ये बीच वाली लाइन अनदेखा कर दो, ऐसे समझ लो, ऐसे
आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है इसका क्या है, सिमिलर है भाई। सिंपल सी बात है, दिख भी रहा सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसे होना चाहिए, है ना। जैसे ये देखो दोनों इंक की बोटल एक जैसी है ना, ये सिमिलर है, लेकिन ये कांग्रुएंस नहीं है, ये कांग्रुएंस हो सकती है क्योंकि इनकी बनावट दुर्दशा सब कुछ एक जैसी है, बल्कि कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इनके अंग समान है ना। चलिए तो इसको हमें मिटाना नहीं फिलहाल, मैं आपको समझाने के लिए इसको मिटा दिया, वो अलग बात है ना। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम हल करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे जिनमें जिनमें हमें प्रूव करना है। देखिए आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और हल मैंने क्या लिखिए, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, यानी इसमें पूरे में और इसमें जो मैंने अभी दिखाया, इन दोनों में क्या बेटा, एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी, ऐसा क्यों है, रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको, कोष्ठक में लिख लो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इंग्लिश मीडियम वाले लिख दें अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्वेश्चन हटा देता हूँ, बस क्यों ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आप लिख लेना हिंदी में कहानी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, सम्मुख कोण लिख लेना, हिंदी थोड़ा गलत हो सकती है, लिख लेना, ठीक है, सम्मुख कोण, ओके। आगे देखो, ठीक है, एक चीज हो गया, देखो बेटा कोई भी ट्रायंगल समरूप है या सर्वंगसम है इसके लिए हमें कई रूल फॉलो करने होते हैं, आपने देखा होगा पीछे, या तो इसके दो भुजाएं बराबर हो जाएं या दो कोण बराबर दिखा दें तो हम समरूप दिखा सकते हैं। एक एंगल तो बराबर हो गया, एक एंगल अगर और बराबर हो जाती है समरूप हो सकता है, तो चलिए ठीक है आगे नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों एंगल में हम फिर से लेंगे। देखो बेटा इसमें एक चीज ये भी हो सकता है, जैसे एंगल ए एंगल सी के बराबर हुआ ना, इसमें एंगल एफ जो है एंगल बी के भी बराबर है, वो कैसे है, वो कैसे है? वो कैसे है मैं आपको बताऊं, ये वाला भी नहीं, सॉरी ये से नहीं से आएगा, ये वाला भी ये एफ तो ये बी ये भी बराबर है, क्यों आप नीचे लिखो मैं बताता हूँ, लिखो एंगल ए बी ई, क्या लिखोगे, ए एंगल इसका जो सी एफ बी, ठीक है, ये बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, इंटीरियर मतलब अंता, लिखो एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के नाते क्या ये दोनों भी बराबर है, यानी आपका जो एफ है वो भी बी के बराबर है, तो बेटा ये दोनों बराबर हो गया ना, आप लिख सकते हो चूंकि ए बी ई, चूंकि ए बी ई और ऐसे लिख लो त्रिभुज लगा लो आगे, ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी के दो संगत कोण, संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है यानी बराबर है, अतः अतः बोल रहा हूं उसे लिख लेना, या इसलिए या अतः लिखो, अब उसके आगे इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एंगल ए बी ई सिमिलर टू एंगल, ये सिमिलर का चिन्ह है, आप ऐसे बना लो, आपके बुक वगैरह में बना होगा, आप देख लेना, ठीक है, ये ऐसे बनता बेटा, ऐसे जानते हो आप स्क्रीन पे अगर देखो तो मैं आपको इसमें फिगर बना के दिखाया हूं, आप देख लो यहां पे ऐसे बनता है थोड़ा सा ये ऐसे, हाँ इसके एंगल सी एफ बी के दोनों क्या है बराबर है, मतलब समरूप हो गए, क्लियर, ठीक है, रीजन क्यों लिख लो, हाँ तो लेकिन ऊपर बता ही दिया, आप समझ गए ए ए से, आई लिख लो ए ए एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, दोनों क्या हुए एंगल एंगल बराबर हो गए, क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना, अगर कमेंट करो अगर डाउट है तो निसंकोच कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने साइड जल्दी करिए, चलो बेटा फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश
दोनों लैंग्वेज में दिखाया गया है। हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लें। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.39 में, ऐसा बुक में दिया था इसलिए मैंने लिख दिया है, ये आकृति है वो 6.39 इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में। क्या दिया इसमें? कह रहा कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन सा? एबीसी यानी ये जो एंगल बी है ये भी क्या है? समकोण है बेटा, ठीक है। एबीसी और एएमपी दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और बी समकोण हैं। सॉरी, इसमें जो फिगर में लिखा गया वो गलत है बेटा, एक जगह बी होगा एक जगह पी होगा, वो सॉरी पी नहीं जगह यम होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन कौन समकोण है? एक बी समकोण है, एक यम, जहां दोनों में बी बी लिखा है, दो बी बी नहीं आनी चाहिए, एक बी की जगह पे यम होगा, ठीक है। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, तो जहां पर एक जगह देखो क्या है, जैसे इंग्लिश में देखो सही लिखा है, इसी में गलत है बस, ठीक है। जिनके कोण बी और यम समकोण त्रिभुज है, ये बी और यम क्या है? समकोण त्रिभुज। जरा सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है? सिमिलर है इसके त्रिभुज ए एम। चलिए ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, लिखिए 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 त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए एम क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ठीक है। चलो आगे लिखो, इसमें देखो बेटा यम जो है वो बी के बराबर होगा। यम बी के बराबर क्यों होगा? आप लिखो यहाँ पर लिखो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एम पी, ये बराबर है क्यों? तो बोथ 90 डिग्री, इसी में लिख दो, दोनों समकोण हैं, दोनों क्या हैं? समकोण है, इसलिए क्या है? दोनों बराबर हैं, है ना। दोनों क्या कंपेयर कर रहे हैं, इसमें यम समकोण है, इसमें बी समकोण है, इसलिए क्या है? बी और यम दोनों आपस में क्या बराबर है, ठीक है। इसमें एंगल ए बराबर एंगल ए है बेटा, क्यों? कॉमन है, किमें कॉमन है? साहब ये जो कोण ए है, अगर तुम ए बी सी लेते हो, ये त्रिभुज लेते हो, या ए एम पी लेते हो, इसमें दोनों में ए आता है ना, यानी ये क्या है? कॉमन है। लिखो कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण, हिंदी में लिख दोगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब नीचे लिखो एक लाइन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी, अरे ऐसे लिख लो ना यार, ये ऐसे नीचे लिखो ना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में या फिर ऐसे लिख लो के, तो संगत कोण, देखो बेटा संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये दो संगत कोण मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं, अतः क्या होगा? ऐसे लिखो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए एम पी, यही तो करने को बोला था, क्वेश्चन फिर से देख लो। ए एम पी को क्या करना था? इनको सिमिलर दिखाना, ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट पार्ट था, हो गया डन। इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, कितना लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप तो इसी पर आधारित है, पहले वाले हल पर ही दूसरा पार्ट आधारित है। कैसे? जरा देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब समरूप त्रिभुज के क्या हैं? ये सभी संगत भुजाएं हैं, इसलिए क्या आपस में बराबर हैं। दूसरा पार्ट वैसे सिद्ध हो गया। कैसे? देखो, जब मैंने आपको सीपीसीटी पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, आपको सीपीसीटी का वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट था। सीपीसीटी मतलब जानते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ाया, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिलहाल उसका मतलब कुछ और ज्यादा डिस्क्राइब था, ये इसमें आपको केवल थोड़ी सी जरूरत है, आप समझ लो। अगर कोई दो त्रिभुज है जैसे ए और बी और सी और ए एम पी, बेटा ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। आप नीचे लिखो दूसरे वाले के लिए, हटा रहा हूँ, ये लिखो आप दूसरे पार्ट के लिए, यहाँ पे लिखो
सेकंड पार्ट में आपको वैसे लिखना है जैसे जो दिया है, डी ए अपान क्या प्रूव करना था भाई दिया, चल लिखने दो क्वेश्चन फिर मैं दिखाऊंगा। डी ए ये बराबर किसके है, बी सी बराबर है एम पी के, ये सिद्ध करना था, इसमें कुछ करना ही नहीं, ऐसे लिख दो बस। लिखने के बाद ब्रेकेट में लिखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हिंदी मीडियम वाले लिख लो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ये बराबर होती है बेटा, याद रखना ठीक है, ये त्रिभुज का रूल होता है, परमीय होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, हम हिंदी में पढ़ेंगे कि मौले अपना इंग्लिश लिख लें और समझ लें, फिर हम इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो दर्शाइए मींस प्रूव कीजिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, समझिए जो ट्रायंगल है ये दोनों बने हैं ना अलग अलग, इनकी बनावट एक जैसे है, सब कुछ एक जैसे है, केवल नाम अलग अलग है। कह रहा है कि जो त्रिभुज एबीसी है ये इसकी जो भुजाएं हैं कौन कौन सी, एबी बीसी ये एबी ये बीसी और माध्यिका जो एडी है वो एक दूसरे त्रिभुज मतलब इसके की भुजाओं पीक्यू पीक्यू क्यूआर तथा माध्यिका ये पीएम के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ऐसा कह रहा है, ये दिया है ना, तो लिखो चलो भाई भुजा आप हल यहाँ पे लिखो ए अपान, अब ध्यान दो ए बी के संगत इसमें क्या है पी क्यू है ना, क्या जाएगा पी क्यू, बस समझना अगला कौन सी भुजा बोल रहे हैं बी सी, बी सी मतलब नीचे वाली ये पूरी लंबी वाली, तो इसमें देखो क्यू आ रहा है बोल माध्यिका ए डी, ये क्या बराबर है कोष्टक में आप लिख लो दिया है, इसी में लिख लो गिवन, अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा फिर दिखने लगेगा उधर साइड में, टेंशन मत, ठीक है, ये क्या दिया है, आगे क्या करेंगे, एक चीज देखो अगर ध्यान, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ए बी सी है पूरा का पूरा ट्रायंगल वो सिमिलर है पूरे के पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी ये बीच की माध्यिका हटा दें तो ये पूरा त्रिभुज ये दोनों क्या है सिमिलर है, तो इनको सिमिलर दिखाने के लिए हमें इसमें फॉलो करने पड़ेंगे हमारे साथ साथ कर सकते। देखो भैया भुजा जो बी सी है बाबू इसको हम बी डी प्लस ये सी डी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं वन अपान टू भी कर सकते हैं, क्यों देखो मैं बताता हूँ समझो, इसमें हम एक काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक बटा दो से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ पे समझना कैसे क्या बनेगा, ए बी अपान पी पल इसे हम कर देंगे वन अपान टू अपान वन अपान टू बार, इसको करने से क्या फायदा मिलेगा अभी समझना, पल ये ए डी अपान पी तो ऐसे रहे, अब देखिए एक बटा दो बी सी भाई एक बटा दो बी सी के बराबर क्या है, आप अगर ध्यान दो तो हम बी डी लिख सकते हैं भाई, इस बी सी का आधा बी डी है ना, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, अगली लाइन में लिखो आप लोग लिखो भैया ए अपान इक्वल बी डी अपान के आधा ये क्यू एम लिख सकते हैं, हाँ क्यू एम लिख सकते हैं, सीधी सी बात है क्यू आर का आधा क्यू एम है, यहाँ पे लिख देंगे क्यू एम इक्वल ये ए डी अपान क्या है पी एम, तो ऐसे रहने दीजिए, अब यहाँ से समझना क्या है, क्या समझना, देखो समझो जो त्रिभुज आपका है कौन कौन सा, समझो यहाँ से हमें क्या क्या दिखाना पहले उसे समझो तब पूरी बात समझाएंगे, ठीक है, अब इसमें अगर आप एक चीज देखो ध्यान से तो आपको मिल रहा होगा कि जो दो ये ट्रायंगल हैं ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों सिमिलर सिद्ध हो गए, क्यों सिद्ध हो गए, आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इनकी भुजाएं जो है आपस में यहाँ पर एक बार बराबर दिखा दिया गया इनके माध्यम से, और एक बार इसमें अगर आप देखो ये भी बराबर हो गया ए बी ए बी टू और ये बी डी जो है वो क्यू एम के और पी एम ए डी के, आप देख रहे हो ना, तो आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो
भाई अगर ये आपस में इस तरह से बराबर हो रही तो हम नीचे लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, ये लिखिए इसलिए, इसलिए ए बी सी ऐसे लिखिए त्रिभुज ए बी, सॉरी सी नहीं ए बी डी, भाई ए बी डी ये ट्राइंगल इसके क्या है सिमिलर है, ये प्रूफ हो गया, लिखो ये सिद्ध हो गया सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा पी क्यू एम, ये पी क्यू एम ब्रैकेट में लिखिए बाई एस 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 साइड साइड साइड, ठीक है ये हो गया। लेकिन हमें ये नहीं सिद्ध करना था, हमें तो पूरा का पूरा ट्राइंगल ये पूरा का पूरा इसके सिमिलर प्रूफ करना था, अभी तो हमने इसका केवल थोड़ा सा ये आधा आधा प्रूफ करा है ना, जो बचा आधा है उसको भी कर लेते हैं। चलो इसको लिख लो जल्दी से, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लिख लीजिए हटा देता हूँ, चलिए बहुत जल्दी करिए फास्ट हो गया। अब हम आगे करेंगे इसको, ध्यान देना अब आगे भी हल करना है, बिल्कुल जाना नहीं कहीं, चलिए अगर दिख रहा है तो मैं आगे हल कर देता आधा, ठीक है। अब लिखिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, कौन कौन सा बी जो है ए, एंगल बी एंगल क्यू के क्या बेटा बराबर है, क्या है क्यू के बराबर है, लिखो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ब्रैकेट में लिखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, लिखिए सभी समरूप त्रिभुज संगत भुजा, समझ में आ रहा ना मैं जो बोल रहा हूँ, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा लिख लोगे ना, ऊपर थोड़ा ज्यादा जा रहा है मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी मैंने क्लियर लिख दिया है, इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिए भाई ये कोण है भुजा नहीं, ठीक है सॉरी ये दोनों क्या है आपस में एंगल है, ये संगत कोण है समरूप त्रिभुज के, भुजा नहीं है, ठीक है क्लियर दिख रहा है ना पूरा, बड़ा हो गया ना। चलिए अब आगे क्या करना है, अब समझिए आगे क्या करना है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, अगर आप पे जगह है तो ऐसे बना लीजिए नंबर एक हो गया, ठीक है। अब लिखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ये पूरा पूरा त्रिभुज, हाँ नीचे लिखिए ए बी त्रिभुज पी क्यू, देखिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, पूरे पूरे अगर हम त्रिभुज में ले रहे हैं तो हम एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर सकते हैं, जो कि पहले से भी हमने किया है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू रेकर्ड में लिख दीजिए समीकरण एक से, ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उतना ही दिया है, इसलिए मैंने क्या किया उसी के साथ इसको लिख दिया। अब एक चीज ध्यान देना, जो एंगल बी है यहाँ पे है ना, यहाँ से एक भुजा जा रही है बी और एक भुजा जा रही है बी डी, जा रही कि नहीं भाई बी दोनों तरफ को जा रही ना, इसको टच करते जा रही मतलब क्या है, जा रही कि नहीं जा रही पहले ये बता मुझे, बी से क्या है ए बी, हाँ तो एक काम यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि ए बी अपान पी क्यू कर सकते हो, क्यों क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं, लिखो पी अपान ए बी, उसी तरह से अगर एंगल क्यू में देखो आप तो इसमें क्या है पी क्यू है कि नहीं, और इसमें क्या है एक बी सी भी है, हाँ क्या है बी सी भी है, बी सी कहाँ है अब मुझे ये बताओ पहले, देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है, समझना देखिए कुछ लोग जो कंफ्यूजन में होंगे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ चल के, समझिए एंगल बी की जगह पे हम ए बी अपान पी क्यू क्यों लिख सकते, कैसे लिख सकते आपको पता है, आप यहाँ से देखो एंगल बी ये है ना, एंगल बी की एक भुजा है ए बी पता है ना, कोण बी पर एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी है, इसी तरह से पी पर एक भुजा पी क्यू है पी क्यू आर है। अगर हम ए बी लें तो आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखा था कि नहीं बताओ, ये क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ना आपस में, तो अगर हम इन्हीं एंगल और इन्हीं भुजा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं सेम टू सेम, क्या बी सी अपन क्या पी क्यू आर, ये लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो ना, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, आप समझ में आ गया सबको, इसको छाप लो जल्दी से, ठीक है रिकॉर्ड में लिख लो कोण बी तथा कोण की सी की संगत भुजाएं, लिख लीजिए कोण बी तथा कोण क्यू की संगत भुजाएं क्या है करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है सभी को क्लियर, कोई डाउट नहीं तो डाउट। चलिए अब हम कह सकते हैं अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो शुरू से, यहाँ पर जो सभी साइड थी
वो क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दी गई है, यहाँ पर शुरू शुरू से आपने पढ़ लिया है। उसके बाद इसमें एक चीज आपने और भी पढ़ा, अभी नीचे अगर हम पढ़े यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, ये भी यहाँ पर पढ़ा कि जो ए बी है वो पी क्यू और बी डी क्यू एम और ए डी पी एम के क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना। तो इसलिए अगर आपका ये ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है और फिर से यहाँ पर लास्ट में आकर के आपका ये कोण भी बराबर है, दोनों सिंपल सी बात है, क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, आप लिख लीजिए, अतः एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सिमिलर टू एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत। ठीक है, कैसे किस रूल से हुआ है, एस ए एस, कौन से रूल से बेटा, एस ए एस। मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ, आप लोग लिख लो इसको पहले तब, ठीक है, डिटेल में समझा देता हूँ कि यस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड रूल से ये बराबर हुआ है। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से सिंपल। देखिए इसमें कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा अगर कि यस ए एस कैसे लगा, तो देखो बेटा यहाँ पे यस ए एस इसलिए लगा क्योंकि जो आपका ये लास्ट में प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों साइड है ना, ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के, तो यहाँ से दो साइडें आपस में क्या हो जा रही, बराबर हो जा रही, समानुपाती, मतलब दोनों त्रिभुज की दो दो भुजाएं क्या आपस में बराबर है और एक कोण भी बराबर मिल गया, यानी दो भुजा बराबर है एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं भाई यस यस ए तो होता नहीं कुछ, ए एस ए एस लगाए। ठीक है, समझ में आया, फिर भी कोई डाउट है तो बताइए। स्क्रीन पर आपको हमारे ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि यदि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ए डी और पी एम जो है क्या है, ये दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं, मीडियन है, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो सिद्ध करना है कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए डी अपान पी एम के। इसको इंग्लिश में मैं दिखाऊं तो आपको फिगर भी दिखाई पड़ेगा, ये साइड में आप फिगर भी देख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ देखिए, ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं जो कि मैं अगर बनाऊं आप कहो तो वैसे कोई मतलब नहीं बना, है ना, जैसे आपका पिछले क्वेश्चन में चित्र था वैसे ही सेम टू सेम है, आप इसे देख लीजिए। इनका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पर हल लिखिए, लिखिए ट्रायंगल ए बी सी, इंग्लिश वाले सब ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, या ऐसे आप समरूप का चिन्ह बनाएंगे जैसे भी बना सके, ठीक है, वैसे अगर आप देखो तो बना हुआ है कि कुछ ऐसे ही चिन्ह होता है, ठीक है, इसके है पी क्यू आर के। मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दिया गया है, ब्रैकेट में लिखिए गिवन, पीडीएम वाले लिख लें दिया है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई भी दो ट्रायंगल चित्र मैंने अभी आपको दिखाया, आपने देखा, अगर वो आपस में समरूप है यानी सिमेट्री है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, ये आप सबको पता है। तो मैं फिगर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिए, अगर आप चित्र देख रहे हो समझो, जो ए बी है वो पी क्यू के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, संगत भुजाएं भी है, संगत भुजाएं है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ इससे केवल आपको चित्र देखना है बस, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा ए बी जो है उसके दूसरे वाले फिगर के पी क्यू के समानुपाती। दूसरी साइड जो है आप अगर ले लो तो बी सी, नीचे वाला बी सी जो है वो क्यू आर के हो जाएगा, ठीक है, तो इसे आप लिख देंगे अपान क्यू आर। इस तरह से आपकी जो साइड है ए सी वो हो जाएगा पी आर के। ऐसा क्यों हो गया, कोष्ठक में लिख लीजिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमेट्री हैं और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इस कारण से ये ऐसा हो गया। नीचे हम एक काम करेंगे,
एबी अपान पी। अगर आप ध्यान दीजिए जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चित्र देखिए, अभी पीछे मत देखिए, वैसे बनाना ही पड़ेगा, मजा नहीं आ रही, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं जल्दी में बनाया हूँ टेढ़ा, ठीक है भैया, थोड़ा त्रिकोणा रहेगा ये, समझना यहाँ से थोड़ा, बिना चित्र बनाए समझ हटाओ भाई। चलो ठीक है, मैंने इसको मान लीजिए कि बना लिया है, क्या है ये भैया, ए बी सी है, हाँ ये आपका पी क्यू आर है, हाँ थोड़ा समझना, इनकी जो माध्यिकाएं थी इसमें डी थी और इसमें क्या था, यस था, क्या था माध्यिका, यम था, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझना, हम एक काम कर सकते हैं, बी सी को आधा आधा कर सकते हैं, एक बटा दो बी सी कर सकते हैं, समझना थोड़ा, एक बटा दो बी सी और इसको एक बटा दो क्यू आर इक्वल ए सी अपान पी आर, थोड़ा समझना, तो एक बटा दो और ये बी सी, यहाँ से समझना थोड़ा भाई, हम बी डी लिख सकते हैं कि भाई जो बी सी है ये पूरा, उसका आधा बी डी है ना, और डी सी भी है, तो चाहे तो हम इसकी जगह पे पूरे के बी डी लिख दें या डी सी लिख दें, लेकिन हमें अपना काम बनाना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे बी डी, इसी तरह से वन अपान टू क्यू आर की जगह पे हम इसको क्यू एम लिख सकते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इक्वल ए सी अपान पी आर, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, समीकरण नंबर एक हो। आगे देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमेट्री हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिया है क्वेश्चन में, आप ध्यान दो, अगर तो ये क्वेश्चन में दिया है ये दोनों क्या सिमेट्री है, अगर ये दोनों सिमेट्री है, ये जो एंगल है, जैसे एंगल बी ये एंगल क्यू के बराबर हो, बराबर होगा, आप सबको पता है ना करस्पॉन्डिंग एंगल ना, तो आप यहाँ से लिख एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, संगत कोण, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, यहाँ लिखिए संगत कोण, इस वाले लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, रीजन इसका ये है, इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, जल्दी करिए, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के अगला स्टेप दिखाऊंगा, हो गया, बस हो गया, खत्म, आंसर आ गया, एक लाइन और करना है, कितना आसान था, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसको जैसे दिया गया था हाफ किया, भाई हाफ में कर भी सकता हूँ, इनको अगर मैं एक बटा दो काट दूं तो फिर वही आ जाएगा। अब यहाँ से आपको इक्वेशन याद रखना है जो आए थे, ये ध्यान देना जो इक्वेशन मिले हैं नीचे, क्या दो इक्वेशन मिले हैं ना, आधा मिटा है आधा लिखा है, लेकिन आप अभी अभी देखे हो आपको क्लियर है, इसमें काम कर सकते हो बेटा, और त्रिभुज ए बी डी, अब ये त्रिभुज लो इतना बस, ये बीच वाला लाइन लो और ये समझना ए बी डी, इसमें लेना है इसमें, ठीक है, ए बी डी ये त्रिभुज ए और त्रिभुज बी क्यू एम जो आपका छोटा वाला बना है, कि हमने अभी अभी इनमें कुछ चीजें हल किया ना, इनमें भी हम इन दोनों एंगल को बराबर कर सकते हैं, कोष्ठक में लिखिए y क्वेश्चन इस समीकरण के माध्यम से, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, अभी तक जो मैंने दोनों एंगल बराबर किया था वो ए बी सी और पी क्यू आर के माध्यम से किया, लेकिन अब जो इन दोनों एंगल को हम बराबर दिखा रहे हैं वो सिर्फ इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुज में ले रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर दो के अकॉर्डिंग संगत कोण है वो उसके लिए भी बराबर होंगे, नहीं दिक्कत अगर इसमें कुछ भी समझ में आया तो बताना, तो इस तरह से बच्चा इसकी जो संगत भुजा है ए बी, अगर ये बराबर होंगे तो क्यू के बराबर होगी कि नहीं, होगी ना, तो लिख लो, सॉरी बराबर नहीं मतलब समानुपाती, ये पी क्यू हो जाएगा, इस तरह से इसका भी हो जाएगा आपका बी डी समानुपाती हो जाएगा बी और इसके क्यू एम हो जाएगी, हाँ
हो जाएगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे लिखते चलिए फटाफट, फटाफट लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखता हूँ एक मिनट, अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। स्टेटमेंट क्या है इसका भाई? एकदम मस्त चल रहा है, ग्रीन है अभी, ठीक है। चलिए तो ये कैसे हो गया, इसको भी कोष्ठक में लिखो। बाई क्वेश्चन फर्स्ट, समीकरण एक के माध्यम से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अभी मैंने समीकरण एक में पूरा डिटेल बताया। अगर ये इतना है इस तरह से तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, ए बी डी, हमें यही तो दिखाना था ना, ए बी डी ये क्या है, समरूप है किस क्रम के, ठीक है। रिकॉर्ड में लिख लीजिए यस ए एस के द्वारा, यस ए एस। और अगर क्वेश्चन फिर से देखो, फिर समझ में आए, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था करने को, मिनट समझ लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। कह रहा था लास्ट में कि प्रूफ की करना है ए बी अपान पी इक्वल ए डी अपान पी एम है, ये सिद्ध करना है। हाँ क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे एक बार क्षण के लिए, 16 नंबर हटाऊं, चलिए ठीक, ओके। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है भैया तो ये बहुत आसान है। जब ये चीज मिल गया तो फिर जैसे अभी संगत वाला आप लोग सीखे हो ना, ए बी अपान ये पी क्यू इक्वल, सारी कहानी वैसे ही हो जाएगी जैसे ए बी पी क्यू के बराबर है, उस तरह से आप इसे लिख सकते हो ए डी जो है वो क्या है पी एम के बराबर, सॉरी बराबर नहीं यार, बार बार बोल रहा, बराबर होता तो बराबर लिखा जाता ना, समानुपाती प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं। लिखिए हैंस सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, मैं स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं रोकता हूँ कि आपको ना दिखे, अगर मैं सामने आ जाऊँगा तो आपका छुप जाएगा कुछ। हाँ चलो लिख लो, तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना। एक्सरसाइज 6.3 खत्म होता है, अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। ये अगर आप करेंगे तो आपको अगली क्लास भी मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत थैंक यू, कमेंट जरूर करना कुछ भी।